टॉर्च इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन रिपोर्ट, जिसको देखो टॉर्च का रिपोर्ट करा के डॉक्टर से पूछता है, मैडम ये नॉर्मल है कि नहीं है, आईजीजी क्या है, आईजीएम क्या है। इसका मेरे बहुत अच्छा वीडियो पहले आ चुका है कि आईजीजी और आईजीएम में क्या फ़र्क है और किसको पॉजिटिव मानते हैं, किसको नेगेटिव मानते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टॉर्च जो इन्फेक्शन है, वेल, इसमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। मेन जो हम सुनते हुए हैं टॉक्सो प्लाज्मोसिस, जो कि टी है, ओ यानी कि अदर इन्फेक्शंस यानी कि सिफिलिस हो गया, पार्वो वायरस हो गया, इवन चिकन पॉक्स यानी कि वेरिसेला जोस्टर जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें आता है। फिर आते हैं आर, अगेन वेरी वेरी कॉमन, रूबेला सिंड्रोम इसको बोलते हैं, और इसके ऊपर मेरा एक वीडियो आ चुका है एक साल पहले, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। तो टी से टॉक्सो, ओ से अदर इन्फेक्शंस, आर से रूबेला, फिर आते हैं सी यानी कि साइटोमेगालो वायरस, बहुत अनकॉमन है, ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। एंड लास्ट आता है हर्पीस। हर्पीस सिंप्लेक्स बहुत ही कॉमनली देखा गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो आज हम बात करेंगे टॉक्सोप्लाज्मोसिस की। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि टॉर्च इन्फेक्शन कौन से लोग कराते हैं। वैसे आप लोग बहुत जानकार हैं, इतने सालों से इतने वीडियोज देख रहे हैं। टॉर्च इन्फेक्शन ज़्यादातर उन लोगों का करते हैं जिनको कि मल्टीपल एबॉर्शंस हुए हैं, या फिर जिनके बच्चे बार बार एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं, या तो आंखों में प्रॉब्लम है, या ब्रेन में प्रॉब्लम है, सिर में पानी भरा हुआ है। तो जो मल्टीपल कंजेनाइटल एनोमलीज के बच्चे हैं या फिर मल्टीपल एबॉर्शंस के केसेस हैं, उसमें टॉर्च इन्फेक्शन की जांच करी जाती है। अब टॉर्च क्यों इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि बीमारियाँ तो ये बड़ी बड़ी हैं, नाम बड़े बड़े हैं, लेकिन इनके सिम्टम्स बहुत ही रेयर होते हैं। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि माँ में कोई सिम्टम आया, वो पॉजिटिव हुई, बच्चे में वो इन्फेक्शन गया और बच्चा एक्चुअली या तो एबॉर्ट हो गया, या बच्चे की डेथ हो गई, या बच्चे को कोई ऐसा सिंड्रोम हुआ कि वो दिखने में एबनॉर्मल लग रहा है। बहुत ही रेयर इंसिडेंसेस हैं, इसीलिए टॉर्च वाला जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, स्पेशली हमारी कंट्री के बाहर। अगर हम बाहर की बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो वहाँ पर इस इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले बात करते हैं टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा कैसे फैलता है? टॉक्सोप्लाज्मा आपकी बॉडी के अंदर ओरल रूट से आता है, यानी कि आपने कोई ऐसा खाना खाया जिसमें कि टॉक्सोप्लाज्मा के बैक्टीरिया के जो सिस्ट होते हैं वो उसके अंदर थे। ज़्यादातर ये जो इन्फेक्शन है ये कैट्स, जिनके यहाँ पालतू बिल्लियाँ हैं, उनको होता है, क्योंकि बिल्लियों के अंदर ये बैक्टीरिया रेस्ट करता है, अपने बच्चे इसके पैदा होते हैं कैट्स के अंदर, और फिर उनकी जो पॉटी निकलती है उसके अंदर ये बच्चे जो एग्स के फॉर्म में होते हैं, और कहीं किसी खाने में अगर मान लो कंटेमिनेशन हो गया, आपके खुद के हाथ की वजह से हो गया, क्योंकि आप अपनी बिल्ली की केयर कर रहे हैं, उसकी वजह से हो गया, तो ये आपके पेट में जा सकता है और वहाँ ये इन्फेक्शन पैदा करता है। तो जैसा कि मैंने बताया, टॉक्सोप्लाज्मा बहुत कॉमन नहीं है, सिर्फ 0.3% यानी कि 100 में से भी या 1000 में से 3 को टॉक्सोप्लाज्मा होता है। इंडिया की बात कर रही हूँ, बाहर कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर कैट्स को बहुत ज़्यादा पालते हैं, कैट्स बहुत कॉमनली पेट्स होते हैं, तो वहाँ पर टॉक्सोप्लाज्मा ज़्यादा कॉमन है, बट अगेन इन्फेक्शन रेट बहुत कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को तूल नहीं दिया जाता। 0.3% अगर इन्फेक्शन हो रहा है मदर में, तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को माँ के पेट से ये इन्फेक्शन मिले। अगर इंसिडेंस की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के जो 3 महीने हैं, पहली तिमाही, उसमें ट्रांसमिशन रेट मदर से बच्चे में इन्फेक्शन जाने का रेट सिर्फ 15% है। 100 में से सिर्फ 15 बच्चों को ये बीमारी माँ से मिलेगी अगर शुरू के 3 महीने में इन्फेक्शन होता है तो। लेकिन शुरू के 3 महीने का इन्फेक्शन खतरनाक हो सकता है, ये बच्चे को एबॉर्ट भी करा सकता है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है, और बच्चे के अंदर कंजेनाइटल एनोमलीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से बच्चा कई बार नहीं जी पाता। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें, चौथे पांचवें और छठे महीने यानी कि दूसरी तिमाही, तो उसमें इन्फेक्शन रेट 15% से बढ़ के 25% हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शन के चांसेस 100 में से 25 में होंगे। और लास्ट ट्राइमेस्टर की बात करें यानी कि तीसरी तिमाही, 7वें, 8वें, 9वें महीने में, तो इन्फेक्शन रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है, 65% हो जाता है, यानी कि 65% बच्चों में 100 में से 65 बच्चों को माँ से आंवल के थ्रू इन्फेक्शन मिलेगा, लेकिन इनमें सिवियरिटी कम होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वेल, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन है? पहली बात तो इसके सिम्टम्स सारे बड़े कॉमन कोल्ड एंड फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं, सोर थ्रोट हो गया, रैश हो गया, हल्का सा मलेज हो गया, बैक एक हो गया, बॉडी एक हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको टॉक्सो है। ठीक है,
ठीक है, तो हर केस में जब ऐसा हो रहा है तो आप टॉर्च इन्फेक्शन की आपने टेस्टिंग थोड़ा ना कराएंगे, सिर्फ उनमें जिनमें कि हाई रिस्क है, आपको पता है आपके पास पालतू बिल्ली है या फिर आपके मल्टीपल अबॉर्शंस हुए हैं, कंजेनाइटल एनोमलीज के बच्चे हुए हैं, उनमें ये टेस्ट करेंगे। तो मदर को तो बहुत ही सिंपल सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी लिम्फैडिनोपैथी यानी कि आपके लिम्फ नोड्स बड़े बड़े हो सकते हैं, कभी कभी आपको ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है जो कि बहुत ही रेयर है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकता है। बच्चे को अगर टॉक्सोप्लाज्मा हो गया पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर, तो उसको क्या होगा, उसमें जो सिंड्रोम है उसमें तीन सिम्टम्स और तीन जो साइंस होते हैं वो बड़े कॉमन है जिसकी वजह से हम डायग्नोज करते हैं कि इसको टॉक्सो है। एक हो गया कोरियोरेटिनाइटिस यानी कि आंखों में प्रॉब्लम, दूसरा हो गया हाइड्रोकेफेलस यानी कि बच्चे के सिर में पानी, और एक होता है इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन यानी कि ब्रेन के अंदर कुछ कैल्शियम डिपॉजिशंस दिखते हैं सोनोग्राफी में, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कुछ गड़बड़ लग रही है, सिर में पानी है, अंदर ब्रेन के अंदर कैल्सिफिकेशंस दिख रहे हैं और साथ में उसकी आंखों में प्रॉब्लम दिख रही है, तो टॉक्सोप्लाज्मा की डायग्नोसिस बननी शुरू हो जाती है। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे, मदर के अंदर तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, IgG, IgM, IgG आपकी इम्यूनिटी बताता है, IgM बताता है एक्टिव इन्फेक्शन है, साथ में आपको अगर वो सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए, साथ में आपको अगर लिम्फ नोड्स आपके बढ़ गए हैं, बॉडी के लिम्फ नोड्स बढ़ गए हैं, उसकी बायोप्सी कर सकते हैं। ये तो हो गया मदर का इन्फेक्शन। बच्चे के अंदर कैसे चेक करेंगे, बच्चे के अंदर या तो एमनियोसेंटेसिस कराइए यानी कि पेट के अंदर से पानी निकाल के, या फिर जो बच्चे की कॉर्ड है जो ब्लड लेकर आ रही है माँ से, उसके अंदर का ब्लड लेके चेक करें। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चे को इस तरह से चेक करना, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप प्रिवेंशन करें। टॉक्सो को अगर आपको पहले से चेक करा लेंगे डिलीवरी प्रेग्नेंट होने से पहले तो ईजी रहेगा डॉक्टर के लिए भी आपको ट्रीटमेंट देना, क्योंकि इसका एक्चुअल में कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, ये सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है, अपने आप बॉडी इसके अंदर एंटीबॉडी बनाती है, IgM को ख़त्म करके IgG बढ़ जाती है, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि टॉक्सोप्लाज्मा नुकसान कर सकता है, बहुत रेयर होता है बट नुकसान करता है, और जो एक ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए मार्केट में आती है वो है स्पायरामाइसिन, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियो में कि स्पायरामाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस है और टॉक्सो पॉजिटिव पेशेंट्स में दी जाती है। ये तो हो गया टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर इन्फेक्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो अदर इन्फेक्शन है। रूबेला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साइटोमेगैलोवायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स, साइटोमेगैलोवायरस बहुत ही अनकॉमन है, आई थिंक 22 साल में मैंने 2 या 3 केसेस ऐसे देखे होंगे जिनकी रिपोर्ट में साइटोमेगैलोवायरस IgM पॉजिटिव है, जो कि बहुत ही रेयर है। ये कैसे फैलता है, ये बॉडी के सिक्रीशन से फैलता है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो थूक हो, चाहे वो वजाइनल सिक्रीशन हो, जितने भी सिक्रीशन है उससे फैलता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है, 3% बच्चों में कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है। सिम्टम्स एंड साइंस मदर में बच्चे में बिल्कुल रूबेला जैसे, क्योंकि ये भी एक वायरस है तो वायरल इन्फेक्शन की तरह मैनिफेस्ट करता है, वही सारे सिम्टम्स, वही सारी एनोमलीज उसी तरह से रहते हैं। और लास्ट इन द सीरीज है हर्पीस सिम्प्लेक्स। हर्पीस सिम्प्लेक्स थोड़ा डिफरेंट है बाकी वायरस से, क्योंकि ये पेट के अंदर नहीं होता, ये निकलते समय डिलीवरी के समय होता है, क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बहुत ही कॉमनली देखी गई है, सिर्फ वजाइना में नहीं होती, प्राइवेट पार्ट्स के अलावा ये आंखों के पास, लिप्स के पास भी देखा गया है। बहुत पेनफुल होता है जिसको होता है, क्योंकि नर्व्स पे अटैक करता है। बच्चे को डिलीवरी के समय ये हो सकता है, अगर एक्टिव वजाइनल इन्फेक्शन है या सर्विक्स में इन्फेक्शन है तो बच्चे के आँख में, मुंह में ये जाता है, बच्चे की आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ वायरल ट्रीटमेंट है, एंटीवायरल ट्रीटमेंट है, और डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती अगर आपको वजाइना में इन्फेक्शन है तो सिजेरियन होगा। सो दैट्स इट गाइस, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत है इस इन्फेक्शन के बारे में, डरना नहीं है, टॉर्च इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, बहुत ही जल्दी सेल्फ रिमिटिंग होता है, और इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते भी नहीं है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि टॉर्च पॉजिटिव की वजह से आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, नेक्स्ट मैं वापस हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, आप ही का रिक्वेस्टेड टॉपिक। थैंक यू।